हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं ठीक है थीके? तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो चेक कीजिए दस क्वेश्चन दिए मैंने जनरल अवेयरनेस के आप कितने सही कर पाते हो ठीक है बीपीएससी की एलडीसी की जो प्रैक्टिस सेट है वो आज मैं दस क्वेश्चन लेके आया हूँ और पचा पचास पचास क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा तो अगर आप लाइव चलवाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं लाइव ठीक है और मैथ और साइंस मैथ और साइंस की वीडियो आएंगी और रीजनिंग की भी आएंगी ठीक है बीपीएससी के लिए तो पहला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला क्या दिया है देखो तीन चार सेकंड लेना दूंगा मैं ठीक है उसमें आपको चेक करना है कौन सा आपका सही है तो निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोक यह निर्धारित नहीं करने में सहायता नहीं करता मतलब यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं रासायनिक प्रतिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन जो आपने पढ़ी होंगी बचपन वो ट्वेल्थ में केमिकल रिएक्शन बहुत सारी पढ़ी होंगी तो वो ये कह रहा है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो इसमें क्या ये ऑप्शन दिए हैं चार इनमें से क्या नहीं होता केमिकल रिएक्शन से संबंध है ठीक है तो देखो अवस्था में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन ठीक है केमिकल रिएक्शन से हो सकता है रंग में परिवर्तन जब आपने किया होगा लैब में एक प्रयोग किया होगा ठीक है जो लाल रंग का हो जाता है केमिकल डालते हैं उसमें ठीक है तो ये रंग में परिवर्तन हो जाता है केमिकल रिएक्शन की वजह से किसी गैस की उत्पत्ति गैस भी बन जाती है केमिकल रिएक्शन से ठीक है कभी कोई केमिकल उल्टा सीधा डाल दो तो अचानक से आग लग जाती है तो ठीक है तो गैस में उत्पत्ति हो जाती है रंग में परिवर्तन हो जाता है अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है अवस्था चेंज हो जाती है ठीक है लेकिन ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होता है ये क्या है ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता केमिकल रिएक्शन से ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है ऊंचाई में परिवर्तन क्वेश्चन एक बार देख लो और आंसर देख लो सही में आया तो ठीक है आगे बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो ये तो नॉर्मल है ये है बी ऑप्शन महाबलेश्वर ठीक है अब आगे चलते हैं किसने वरदा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी इसका आंसर होगा आपका महात्मा गांधी ठीक है ये वरदा योजना थी ये महात्मा गांधी ने ठीक है प्रस्तावित की थी तो आगे चलते हैं स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है तो देखो स्वर्ण क्रांति किससे फल से ठीक है शहद से इन चीज़ों से संबंधित है तो इसमें ऑप्शन दिया है फल तो ये फल से हो जाएगी ठीक है स्वर्ण क्रांति किससे गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है तो ये फल से संबंधित है ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच तो क्वेश्चन नंबर पाँच में दिया है क्रिकेट और कप्तान को औपचारिक रूप से बी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया मेन बात ये है बीसीसीआई का के अध्यक्ष कौन है तो कौन है सबको पता होगा सौरव गांगुली ठीक है सौरव गांगुली क्या है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं और रवि शास्त्री रवि शास्त्री कोच हैं ठीक है क्रिकेट टीम के कपिल देव पूर्व कप्तान रहे जो जिन्होंने हमें नाइनटीन एट्टी थ्री में क्या दिलाया था पहली बार वर्ल्ड कप दिलाया था ठीक है और सुनील गावस्कर भी एक क्रिकेट प्लेयर हैं ठीक है थीके? तो ये आंसर हो गया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आई आई एस एफ दो हजार उन्नीस के पाँचवें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ था तो ये आपको पता होगा देखो कोलकाता में हुआ था ठीक है आंसर नंबर सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सात जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार एकीकृत भुगतान अंतरापष्ट यू ठीक है इसका इंग्लिश मीनिंग है यू पी का उपयोग करते हुए आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो ठीक है मैक्सिमम तो वो लिमिट थी एक लाख की ठीक है इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी एक लाख अच्छा क्वेश्चन नंबर आठ कंप्यूटर के संदर्भ में वॉम किसका संक्षिप्त रूप है तो कंप्यूटर से कुछ फुल फॉर्म है वो तुम्हें दे दी जाएंगी पूरी याद कर लेना उन्हीं में से फंस जाएगा तो इसमें आंसर इसका आंसर होगा देखो डी राइट वंस रीड मैनी तो देखो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए यू आर एल की ठीक है यू आर एल की डब्लू 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 की ठीक है वर्ल्ड वेब ब्राउज़र तो ये सब फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है आगे चलते हैं अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रजनामा पुस्तक के रूप में किया गया ठीक है इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभारत ठीक है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर नाइन दिया है इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव ठीक है स्थित है तो ये आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ठीक है ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी कहाँ बहती है दक्षिण पूर्व में ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन दिया है सोरा साल्ट पीटर सोरा या साल्ट पीटर ठीक है का रासायनिक सूत्र देखो रासायनिक सूत्र एक आता है ठीक है सब रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए तो इसका ऑप्शन है के एन ओ थ्री पोटेशियम नाइट्रेट ये आंसर हो जाएगा इसका ए तो आपने दस क्वेश्चन में से कितने सही किए ये कमेंट सेक्शन में जरूर कर लिख के बताएं ठीक है आपने कितने सही किए और अगर कैसा भी कोई डाउट हो क्लास से संबंधित या कैसा भी कोई डाउट हो ठीक है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो